हेलो सर, सुशील कुमार जायसवाल मेरा नाम हुआ। हमने हमारा जमीन विवाद है सर, उसमें हमारे बड़ा बाबू सहयोग कर रहे हैं। जो कहानी कुछ समस्या रखने हैं, वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय का आदेश तुरंत उसको निष्पादन थाना कैसे से किया जाता है। एक अच्छी सराहनीय है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी अधिक से अधिक समस्या को लाएं और समाधान के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। अच्छा सर, ये आज से ही स्टार्ट हुआ है? आज से शुरू हुई है। आज से शुरू हुई है। मेरे थाने में कम से कम 10 लोग आए थे, महिलाएँ भी आई थी, दो तीन लोगों को वरीय पुलिस। आप देख रहे हैं समृद्धि लोचन और मैं हूं सुखपुर। जैसे कि भोजपुर पुलिस का आप लोग देख रहे हैं जिस तरह का व्यवस्था बना हुआ है, लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भोजपुर ज़िले में जब से वो आए हैं कुछ न कुछ नया गतिविधि देखने को मिल रही है। लगातार जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाइक चला के और जो एक्सीडेंट हो रही है, हेलमेट नहीं लगा, उन लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है और उन लोगों को कैसे इस तरह का एक अभियान छेड़ा गया था जो अभी भी चल रहा है चीता पुलिस के द्वारा चाहे और भी, तो एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। अभी एक देखिए नया कार्यक्रम और लॉन्च हो गया है जिसमें आम आम जनता का समस्या और समाधान डायरेक्ट रूप से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी समस्या रख दिए और चले गए देखा जाएगा, नहीं, डायरेक्ट एसपी साहब जुड़ते हैं और भोजपुर ज़िले के तमाम जितने भी थाना प्रभारी लोग हैं सब लोग जुड़ते हैं। थाने पे आपको अपने नज़दीकी थाना में जाना है और वहाँ पे आपको अपनी समस्या को रखना है, एसपी साहब से बात करना है और वहाँ के तुरंत थानाध्यक्ष जो भी हैं उनको आदेश दिया जाता है और तुरंत उसका निष्पादन करने का जो कार्यक्रम चल रहा है वाकई सराहनीय है। हमारे साथ अभी यहाँ के थाना प्रभारी महोदय जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या होता है और कब कब कार्यक्रम होगा ये और कैसे कैसे क्या इसका समय काल है। स्वागत है सर आपका, क्या कहेंगे ये कार्यक्रम कैसा है और इसका टाइमिंग क्या है, क्या कहेंगे? ये भोजपुर पुलिस द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग के माध्यम से समस्या आपकी समाधान जो कार्यक्रम चल रहा है, जो जनता की समस्या है उसको समाधान पुलिस को कर रहा है। तो प्रति सप्ताह में दो दिन का कार्यक्रम है, सोमवार को और शुक्रवार को। समय रखा गया है 11 से 1 बजे तक। इसमें जिनकी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, जमीनी विवाद है, जिस तरह की जनता की समस्याएं हैं उनको थाना पर उपस्थित होकर जूम मीटिंग के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने से बात करानी, कुछ समस्या रखने हैं, वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय का आदेश तुरंत उसको निष्पादन थाना के स्तर से किया जाता है। एक अच्छी सराहनीय है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी अधिक से अधिक समस्या को लाएं और समाधान के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। अच्छा सर, ये आज से ही स्टार्ट हुआ है? आज से शुरू हुई है। आज से शुरू हुई है। मेरे थाने में कम से कम 10 लोग आए थे, महिलाएँ भी आई थी, दो तीन लोगों को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत की गई, उनकी अपनी समस्याएं रखे। सर द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया है, उनके निष्पादन हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जमीनी विवाद था कुछ और घरेलू मैटर थे, डोमेस्टिक मैटर था, उसका बैठकर हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और जहाँ तक हमें लगता है कि आप तमाम लोग जितने लोग परेशान रहते हैं कि हमें एसपी साहब से मिलना है या और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, जनता दरबार वगैरह तो खैर लगता ही है, लेकिन यह हाँ जी यह एक बहुत अच्छी पहल है सर, विशेष जानकारी देंगे जी। अब बात है कि बहुत से लोग ऐसे बुजुर्ग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय से नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए एक सुविधा है कि आप स्थानीय थाना क्षेत्र में चले आएँ और स्थानीय थाना में बैठ कर अपनी समस्या को रख सकते हैं और सीधे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी बात को रूबरू कर सकते हैं। जो समस्याएं होगी सर सुने, उसका निष्पादन स्थानीय थाना के माध्यम से किया जाएगा। जो ऑफिस कार्यालय जाने के योग्य नहीं है, जो दूर दराज के क्षेत्रों के हैं, वो थाने में ही आकर अपनी समस्या को रख सकते हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया पहल है और मैं आपको बता दूं कि वो तमाम लोगों के लिए एक जागरूकता के अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम ये लाया गया है कि लोग जागरूक हो और अपने अधिकार को समझें, तमाम लोगों को, चूँकि देखिए जो भी प्रशासन है आपके लिए है, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए है। तो निश्चित तौर से एसपी साहब ने इस तरह का एक बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम है और हमें जहाँ तक लगता है कि ये पूरे बिहार में भोजपुर से शुरुआत हो रहा है, भोजपुर ज़िले में इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है। आप कहीं भी कोई भी समस्या हो, घर की लड़ाई हो, जमीनी विवाद हो या जो भी समस्या हो, आपको लगता है कि थाने से हो रहा है या नहीं हो रहा है या टाल मटोल है, जो भी हो, आप डायरेक्ट एसपी साहब से जुड़ सकते हैं और थाना प्रभारी महोदय आपको सपोर्ट करेंगे। और आप देख ही रहे हैं अभी भिया थाना में हम हैं और यहाँ पे लगभग 10-12 लोगों की समस्या का समाधान डायरेक्ट रूप से किया गया और तमाम उस समय एसपी साहब से भी आप डायरेक्ट बात करके अपनी समस्या को रख सकते हैं और
थाना प्रभारी महोदय रहेंगे ही, और भी डीएसपी साहब भी जुड़े रहते हैं, और भी जितने भी भोजपुर जिला में थाना प्रभारी है तमाम लोग जुड़े हैं, और आप अपनी समस्या को रखेंगे, बताएंगे हमारी क्या समस्या है, और सब नोट होगा, और तमाम चीज़ें जो है ये जूम के द्वारा लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को भी मिलेगा। एसपी साहब से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो सोमवार को और शुक्रवार को प्रत्येक सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आपको आ जाना है अपनी समस्या को लेके, और डायरेक्ट आप एसपी साहब से अपनी समस्या को रखेंगे, और तुरंत आप जिस थाने के रहने वाले हैं या जिस ओपी के रहने वाले हैं तुरंत इसका समाधान किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, ये बहुत अच्छी पहल है, और हमें जहाँ तक लगता है कि तमाम जितने भी भोजपुर ज़िले में जितने भी थाने, उन लोगों के लिए भी बहुत आसान ये रहेगा, और जनता तो काफ़ी खुश रहेगी। लोग ये जनता को जागरूक करने के लिए, चूँकि समस्याएं काफ़ी है, बहुत से लोग समस्याएं लेकर आते हैं, और जैसे कि वरीय पदाधिकारी के पास नहीं जा पाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो लोगों को मन में रहता है कि हमारी समस्या नहीं सुनी गई, हमारी समस्या का निदान नहीं किया गया, इसलिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय द्वारा कि आप सीधे हमसे मिलिए, और ऑफिस नहीं आ पाते हैं तो थाना के माध्यम से जो मीटिंग के माध्यम से आप अपनी बात को रखिए, आपकी समस्या को निष्पादन किया जाएगा, आपकी समस्या के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, खास तौर पर देखा जा रहा है अभी जो आपके पास जो भी समस्या है इसमें मैक्सिमम किस टाइप की समस्या आ रहे हैं? ज़्यादा जो लैंड डिस्प्यूट का मैटर है, जमीनी विवाद है, कुछ डोमेस्टिक मैटर है, पारिवारिक मैटर भी, तरह तरह की समस्या है, लेकिन ज़्यादा जो समस्याएँ हैं यहाँ पर जमीनी विवाद है और घरेलू मैटर की समस्या आती है। तो आप लोग याद रखें, सोमवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन 11 बजे से 1 बजे तक आपका जो भी थाना है, आप अपने नज़दीकी थाना में जाइए अपनी समस्या को लेके, डायरेक्ट उस दिन 11 बजे से 1 बजे तक एसपी साहब भी ऑनलाइन मौजूद रहेंगे जूम के द्वारा, थाना प्रभारी महोदय जो भी होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी आपकी समस्या वहाँ रखिए तुरंत उसका निदान किया जाएगा। तो इस तरह एक अच्छी सराहनीय पहल है हमारे भोजपुर पुलिस के द्वारा, आप भी सपोर्ट करें, चूँकि बिना आपके सपोर्ट का ये नहीं हो सकता है। भोजपुर को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, और तमाम प्रशासनिक को किस तरह मजबूत किया जाए, इसके लिए लगातार हमारे एसपी साहब तत्पर है, और आपका भी साथ जरूरी है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, समृद्धि न्यूज चैनल पर तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवम जी के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू। नमस्कार, हेलो सर, सुशील कुमार जायसवाल मेरा नाम हुआ। हमारा जमीन विवाद है सर, उसमें हमारे बड़ा बाबू सहयोग कर रहे हैं, जो उचित है। जो काम कर बता रहे हैं सर, वो जबरदस्ती हमारे बगल वाला जबरदस्ती है, और हमारे निजी जमीन में वो जंगला खोल रहा है, मना करने पर हमको दबा रहा है। वो चौबे जी हैं जात के, हमको दबा रहे हैं, बनिया वर्ग से हैं, हमको दबा रहे हैं। आवेदन हाँ लिख कर दे दिए सर, बड़ा बाबू जो उचित है वो कर रहे हैं सर, सहयोग कर रहे हैं मेरा। जी जी सर, जी सर, नमस्कार।